मंडियों में सरसों और गेहूं समेत दूसरी फसलों की खरीद जारी है। सरसों और गेहूं के भाव में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि सरसों और गेहूं का ताजा मंडी भाव क्या है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ईनेम पोर्टल के मुताबिक 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश में सरसों का भाव 4000 रुपए से लेकर 5300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। वहीं गेहूं की बात करें तो यहां 11 अप्रैल को गेहूं का भाव 2129 रुपए से लेकर 3042 रुपए प्रति क्विंटल बिका। हालांकि एक दिन पहले गुना में गेहूं का अधिकतम भाव 3600 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकारी वेबसाइट एजी मार्केट के मुताबिक राजस्थान में गेहूं का भाव 2100 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। 11 अप्रैल को राजस्थान में गेहूं की सबसे अधिक बोली 4040 रुपए की लगी। वहीं सरसों की बात करें तो राजस्थान में 11 अप्रैल को सरसों का भाव 4000 रुपए से लेकर 5356 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। एक दिन पहले सरसों का अधिकतम भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल था। इस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान में सरसों के भाव में गिरावट आई है। वहीं हरियाणा में 11 अप्रैल को सरसों का भाव 4500 रुपए से लेकर 5650 रुपए रहा। यहां बता दें कि 5650 रुपए सरकारी रेट है। वहीं गेहूं का भाव हरियाणा में 2275 रुपए से लेकर 2296 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 11 अप्रैल को सरसों का भाव 4750 रुपए से लेकर 5700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सरसों का अधिकतम भाव 5600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि आज के सभी मंडियों के आंकड़े नहीं आए हैं। वहीं गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव 2275 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बता दें कि सरसों और गेहूं के मंडी भाव हमने ईनाम और सरकारी वेबसाइट एजी मार्केट से लिए हैं। मंडी के भाव कम या ज्यादा हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।